अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं, ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं GDS खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रविशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने ग्रामीण डाक सेवकों को लेकर एक ट्वीट किया है, उसके बारे में। दोस्तों, हम अभी आपको स्क्रीन पर ट्वीट दिखाते हैं। दोस्तों, यह ट्वीट कल किया गया था रविशंकर प्रसाद जी की तरफ से। इसमें बताया गया था कि जो ग्रामीण डाक सेवक को जो रिक्रूटमेंट निकाली थी उसमें नियुक्ति दी है, यानी कि जो 8752 ग्रामीण डाक सेवकों को नियुक्ति दी है। दोस्तों, इसको लेकर एक पोस्टर भी जारी किया है, यानी कि जो मोदी सरकार को 100 दिन हुए हैं उसमें जो उनकी जो क्या क्या काम किया है सरकार ने, वो तमाम तमाम प्रकार की जो जानकारी इस प्रकार के पोस्टर बना के शेयर की जा रही है। बट इसमें आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवकों को लेकर ये पोस्ट की गई। इसमें आप देख सकते हैं जो 8752 से भी ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवकों इन 100 दिनों में नियुक्ति जो बढ़ती की गई है ग्रामीण डाक सेवक की। बट दोस्तों, इस पोस्टर में जो ग्रामीण डाक सेवकों को जिस वेशभूषा में दिखाया गया है, जो वास्तविक में जो ग्रामीण डाक सेवक की जो दशा है वह इसके बिल्कुल विपरीत है। और ग्रामीण डाक सेवकों को इस प्रकार की कोई भी ड्रेस जो बैग बताया गया है, इस प्रकार की कोई से अभी जो जो वर्दी कुछ भी नहीं दिया जाता है। ओनली ग्रामीण डाक सेवकों को अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बड़ी राहत नहीं मिली है। दोस्तों, इसको इस पोस्ट के नीचे जो रविशंकर प्रसाद जी जो संचार मंत्री है, उसकी इस पोस्ट के नीचे बहुत से ग्रामीण डाक सेवकों ने बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, जो ट्वीट किया है वह भी हम आपको बताने वाले हैं। इसमें सुखदेव सिंह जी, इन्होंने ग्रामीण डाक सेवकों की जो 8 घंटे ड्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कमेंट किया है, वह आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं, इसमें जो जस्टिस रूल 3 है रिमूव ग्रामीण डाक सेवक। दोस्तों, इसमें जो रूल 3 है को रिमूव करने की बात की गई है रविशंकर प्रसाद जी को इस पोस्ट के माध्यम से। दोस्तों, इसी प्रकार बहुत से कमेंट किए ग्रामीण डाक सेवकों ने, वह हम आपको एक एक करके दिखाने वाले हैं। तो बट जो वास्तविक में जो ग्रामीण डाक सेवक की जो दशा है वह बहुत ही दयनीय है। इसमें देख सकते हैं जो रूल 3 है, इसी की वजह से ग्रामीण डाक सेवकों के हाथ बंधे हुए हैं। इसी के कारण जो ग्रामीण डाक सेवकों की ड्यूटी 8 घंटे नहीं हो पा रही है। तो यह तस्वीर भी अपने आप में बहुत ही बड़ी तस्वीर है, जो ग्रामीण डाक सेवकों की लिखा जैसे ये बहुत ही बड़ी तस्वीर है, जो ग्रामीण डाक सेवकों के हाथ बंधे हुए हैं इन रूल 3 है की वजह से दोस्तों, इस ट्वीट के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं ग्रामीण डाक सेवकों की ड्यूटी 8 घंटे कर दी जाए। दोस्तों, आप एक और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इसमें भी सेम यही बताया गया कि जो ग्रामीण डाक सेवकों की ड्यूटी 8 घंटे की जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कमेंट किए गए हैं। और ये देख सकते हैं जो अखबार में कटिंग आई थी वह भी शेयर कर रहे हैं कि जो वास्तविक में ग्रामीण डाक सेवकों की दशा क्या है। तो दोस्तों, इसके अलावा हम एक और हम बात करें, जो वेस्ट बंगाल, बहुत से GDS भाई हमें कमेंट करके पूछते हैं कि वेस्ट बंगाल का GDS रिजल्ट कब आएगा। उसका जवाब भी यहाँ इसी पोस्ट के नीचे दिया गया है कि एक भाई ने पूछा था कि जो वेस्ट बंगाल ग्रामीण डाक सेवक का जो रिजल्ट कब आएगा, 2-3 साल हो गए हैं। बट इसका जो रिप्लाई दिया है, जो आप इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल से जवाब दिया गया है, मैटर इज सब जस्टिस। तो दोस्तों, इसमें जो बताया गया कि जो मैटर है वह न्यायालय में है, तो इस पर भी अभी कुछ भी अपडेट आना मुश्किल है। तो इसके अलावा दोस्तों, बहुत ही बहुत कमेंट किए गए हैं। इसमें देख सकते हैं सर, जो फोटो आपने ग्रामीण डाक से की दिखाई, उसमें आपके पास ड्रेस, लेटर बैग, साइकिल, टॉप, चप्पलें, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज देश में 2,70,000 गरीब ग्रामीण डाक सेवक में से किसी को भी ये चीज़ें सरकार की ओर से नहीं दी जा रही, केवल पब्लिसिटी को झूठा चित्र बताया गया है। तो दोस्तों, आप देखते हैं इसमें जो जगदीश जी, इन्होंने इसको पब्लिसिटी का स्टैंड बताया है और वास्तविकता में ये सही बात है, किसी भी ग्रामीण डाक सेवक को इस प्रकार का कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो बाबूलाल नापटी जी, इन्होंने भी बहुत ही बढ़िया कमेंट किया, ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हैं, आपको 100 दिन तो देख लिए, अब हम गरीब ग्रामीण डाक सेवक को 100 दिन 8 घंटे समय और पूरा वेतन देकर देखिए ट्रायल के तौर पर हम साबित करके दिखाएंगे और एक अभूतपूर्व इतिहास रच के दिखाएंगे, ग्रामीण खुश होंगे और सरकार भी पहले ग्रामीण डाक सेवकों को खुश कीजिए। तो इन्होंने बताया कि पहले ग्रामीण डाक सेवकों को खुश कीजिए, उसके बाद ग्रामीण डाक सेवक आपको किस प्रकार से नतीजा देते हैं वह आपकी सरकार के सामने रहने वाला है। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कमेंट किए हैं ग्रामीण डाक सेवकों ने। बट जो रविशंकर प्रसाद जी की जो पोस्ट है, इस पर आप देख सकते हैं इसमें जो वर्दी और तमाम प्रकार की जो चीज़ें दिखाई गई, उन तमाम प्रकार में से कोई भी जो सुविधा है ग्रामीण डाक सेवकों को नहीं मिलती है। जो भर्ती तो की है, बट इसके बाद भी बहुत सी जगह रिक्त, एक एक व्यक्ति से 3-3 जनों का काम लिया जा रहा है। तो
जो वास्तविक में जो भर्ती की है बहुत ही कम भर्ती है, इसमें जो कम से कम बहुत ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवक की आवश्यकता है, बट जो भर्ती बहुत कम भर्ती की गई है। तो ये आप देख सकते हैं, रविशंकर प्रसाद जी ने ट्वीट किया था, उसके नीचे बहुत से ग्रामीण डाक सेवकों ने अपनी अपनी बात रखी। दोस्तों आप सभी ग्रामीण डाक सेवक भाइयों से भी निवेदन है कि आप भी इस पर कमेंट करके बताइए कि आप भी जो सर आपकी बात जो रविशंकर प्रसाद जी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए ट्विटर के माध्यम। ट्विटर दोस्तों बहुत ही बढ़िया साधन है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का। तो बहुत से लोगों ने जो ग्रामीण डाक सेवकों ने अपनी बातें अलग अलग तरीके से जो ट्वीट फोटो और अलग अलग माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का इस पोस्ट के माध्यम से प्रयास किया है। तो दोस्तों आप भी ट्विटर पर अभी तक नहीं आए तो ट्विटर पर ज्वाइन कर लीजिए, और आप भी जो रविशंकर प्रसाद जी मोदी जी हैं तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनको टेक कर जो ग्रामीण डाक से जो जो दुख है यानी कि जो 8 घंटे ड्यूटी और विभागीकरण का जो मुद्दा है उनको ट्विटर के माध्यम से उनके साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तमाम ग्रामीण डाक सेवक भाई के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।